हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो फाइनली मैंने अपने वेबसाइट के लिए निश को चूज कर लिया है। ये निश किस टॉपिक से रिलेटेड है वो तो ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में है और किस तरीके से मैं उस पर काम करूँगा और कैसे मैंने इसको चूज़ किया है ताकि आपको निश को चूज़ करने में आसानी हो। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज़ आपको आसानी फील नहीं हो रही और आप कंफ्यूज हो गए हैं तो अपनी कंफ्यूजन को ख़त्म कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फाइवर का लिंक है और आप वहाँ पे निश ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा बेस्ट निश को पिक करने में और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी दूंगा ताकि आप अपनी वेबसाइट का स्टार्ट ले सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने निश को चूज़ कर लिया है और किन किन बातों का मैंने ख्याल रखा और किस बेसिस पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो निश चूज़ किया है वो निश आप सब लोगों को शायद बहुत इजीली मिल जाए और शायद आप लोगों को यकीन ना आए, लेकिन एक ऐसा निश जिस पे मैं तकरीबन लास्ट 2-3 ईयर से काम कर रहा हूँ उसी को मैंने दोबारा पिक किया है। कंपटीशन उस निश में काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा, और आई लव कंपटीशन, दैट्स व्हाई मैंने उसी को चूज़ किया है। ये निश इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी से बिलोंग करता है और इसमें मैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूँगा, किस तरीके से करूँगा वो तमाम सारी चीज़ें तो आपके साथ मैं शेयर ही करूँगा, लेकिन ये बता दूँ कि इसका जो कमीशन रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो 2-3% के अंदर ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लॉग से अर्निंग जो है वो अमेज़ॉन के थ्रू करता ही करता हूँ, उसके साथ साथ डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट ईज़ॉइक और बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल एड्स वगैरह हो गए उसी के थ्रू भी करता हूँ और उसी ब्लॉग को जब फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग मिल जाती है। तो मैं तमाम तरह बातों को ख्याल में रखूँगा, जहन में रखूँगा और उनके बेसिस पे मैं आगे जाऊँगा। अब किन बातों का ख्याल रखा गया है, तो एज सच मैंने किसी ख़ास बात का ख्याल नहीं रखा, बस सिर्फ ये कि आपका जो प्राइस है वो कम अज़ कम $20-30 से अबोव होना चाहिए। तो मैं जिस निश में काम कर रहा हूँ प्राइस इज़ क्वाइट गुड। दूसरा जो है वो आपके निश का जितने प्रोडक्ट्स है वो कम से कम 20+ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो मैं जिस निश में काम कर रहा हूँ उसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। रिलेटेड प्रोडक्ट्स मीन कि अगर आप लैपटॉप्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसके साथ लैपटॉप्स के माउस, कीपैड और स्क्रीन और वो तमाम तरह चीज़ें, हेडफोन वगैरह भी आप टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर आप सपोज़ बाइक्स को टारगेट कर रहे हैं तो बाइक्स के हेलमेट हो गए, बाइक्स के शूज़ हो गए, बाइक्स के शर्ट्स हो गए, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें इंक्लूडेड हो। तो रिलेटेड प्रोडक्ट से ये होता है कि आप बहुत ईजिली अपने ब्लॉग से फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक तो आप खुद रिलैक्स फील करेंगे और दूसरा जो है अगर आपका राइटर कंटेंट लिखता है तो वो बोर नहीं होता सेम टॉपिक को अगेन एंड अगेन कवर करने से। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था वो ये था कि 20 प्रोडक्ट्स तो हम क्या 20 प्रोडक्ट को रिपीट कर सकते हैं, तो येस यू कैन। अगर आपको लगता है कि एक कीवर्ड में भी आपका पोटेंशियल है और दूसरे कीवर्ड में भी पोटेंशियल है तो आप दोनों के आर्टिकल लिख सकते हैं और आपका प्रोडक्ट्स दोनों में आ सकता है अगर वो दोनों के जो पोटेंशियल है या जो दोनों के फीचर्स हैं उनको कवर कर रहा हूँ। एंड एवरेज रेटिंग जो है वो 3.5 स्टार से, मतलब 4 लेकिन 3.5 में मिनिमम रख रहा हूँ, इससे वो होना चाहिए। तो जिस निश पे मैं काम कर रहा हूँ ये तमाम तरह पॉइंट्स को कवर कर रहा है और इसके अलावा उसमें कंपटीशन बहुत हाई कंपटीशन है और उसमें लो कंपटीशन भी है, तो उन दोनों को देखना चाहिए। हाई कंपटीशन मीन के अगर बड़े बड़े ब्लॉग्स उनको टारगेट कर रहे हैं तो इट मीन के उस निश में आप ब्रांड बन सकते हैं, और अगर आप बड़े बड़े निशेज उसको टारगेट कर रहे हैं उसके साथ साथ छोटे छोटे वेबसाइट्स पे भी तकरीबन 1,000, 2,000, 5,000, 30,000, 50,000 का ट्रैफिक मिल रहा है, तो इट मीन कि आप आपके पास स्पेस है कि आप उसके अंडर रहते हुए अपने वेबसाइट को रैंक कर सकें। मीन कि आप ब्रांड भी बन सकते हैं और आपके पास स्मॉल वेबसाइट में भी स्पेस है कि आप रैंक कर सकें, क्योंकि अगर वो रैंक कर सकते हैं तो आप भी रैंक कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने माइंड में रखा, बाकी एज सच मैंने कुछ खास माइंड में नहीं रखा। उसकी रीज़न ये है कि निशेज कोई भी निश हो, चाहे पिट्स हो, चाहे थोड़ा सा ब्यूटी इज़ अ डिफ़िकल्ट निश लेकिन इतना भी नहीं है, चाहे वुमेन गारमेंट्स हो, चाहे बाइक से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, तो
पोटेंशियल हर निश में होता है। स्मॉल वेबसाइट्स हर एक में रैंक करते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि उसमें पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल नहीं मिलता तो दैट मीन के आपने एक गलत निश को चूज़ किया है, राइट। सो आई होप कि आपको यू नो चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। टाइम वेस्ट ना करें, अपने लिए निश को चूज़ करें। अगर आपको इशू आ रहा है तो थोड़ा सा अमाउंट पे करके आप मेरे से निश को जो है चूज़ करवा सकते हैं फाइबर प्रोफाइल के थ्रू, और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो काम हमारे ज़िम्मे लग जाएगा। तो आई होप कि वीडियो यहाँ तक क्लियर हो गई है। कोई माइंड में क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट कीजिएगा। आज से रिलेटेड में जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं आपके कमेंट से रिलेटेड बनाऊंगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपके निश को चूज़ करने का इंतजार रहेगा नई वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।